स्टूडेंट वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैथ का नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में हम आपको क्या बताएंगे, एवरेज का क्वेश्चन बताएंगे, औसत का क्वेश्चन बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने से आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और क्वेश्चन करने का टेक्निक समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूला करिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 मधों का औसत। मधु मतलब सर मध क्या है, मान लो कोई भी पीपल हो गया, कोई भी क्या हो गया, पीपल हो गया। तो 25 मधों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया है। वास्तविक माध्य ज्ञात करिए, कहने का मतलब क्या है। इसका हम एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, एक बार दिमाग में सेट कर लेना, कभी तुम लोग से गलत हो गए नहीं। क्या कह रहा है, 25 पीपल का औसत, मधों को हटाओ पीपल लगाओ, 25 पीपल का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पे 25 लिख दिया गया है। मतलब ये जो हम अभी टेक्निक आपको बताएंगे, किसी के स्थान पे कुछ लिख गया, मतलब गलत सही की जगह गलत लिख गया, गलत की जगह सही लिख गया, उसी में ये टेक्निक काम करेगा। क्या टेक्निक काम करेगा, ध्यान देना। फॉर्मूला इसका क्या है, एक फॉर्मूला बस दिमाग पे एकदम अच्छे से बैठा लेना, ठीक है। क्या लिखोगे, पूछा क्या है, वास्तविक माध्य ज्ञात करिए। तो लिखोगे वास्तविक, वास्तविक माध्य, वास्तविक माध्य मतलब रियल मीडियम, रियल मीन, सॉरी रियल मीन लिखेंगे। वास्तविक माध्य इक्वल्स, अब क्या होगा, लिखेंगे टोटल वैल्यू। क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू, कुल कुल मान, टोटल वैल्यू जिसको हम क्या कहेंगे, कुल मान, हिंदी में लिखते रहे, ठीक है। अब आप समझते चलिए, हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। लिखेंगे कुल मान प्लस, ध्यान समझिएगा, कुल मान प्लस, ध्यान समझिएगा क्या कह रहे हैं, प्लस सही मान, सही मान मतलब रियल वैल्यू, माइनस गलत मान, अपॉन, कितने की बात कर रहा था, 25 मद की बात कर रहा था ना, 25 मदों का औसत, ये एक मद 25 की बात कर रहा था ना, तो अपॉन में 25, जितनी संख्या की बात करेंगे इतना। ये क्वेश्चन एक सेटअप पे है, इसके अलावा तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसके अलावा बनेगा ही नहीं। अब सर ये कुल मान आएगा कहां से, कह रहा 25 मदों का, ध्यान समझना, कुल मान कहां से आएगा, कुल मान ऐसे आएगा, कुल मान कैसे आएगा, टोटल वैल्यू कैसे आएगा, ये लिख दिए हम कुल मान, ठीक है। क्या बोल रहा है, 25 मदों का औसत, जिस 25 की औसत दिया ना, 25 × 40 डेट इज 1000, 1000 आ गया ना, ये कुल मान हो गया 1000। ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझो, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। प्लस सही मान, परंतु एक मत 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया, तो सही क्या था, 50 था ना, और गलत क्या लिख गया, 25 लिख गया ना, अपॉन क्या हो गया, 25। तो अब क्या हो जाएगा, 1025 / 25, 1025 / 25, तो 25 × 100 = 41 आंसर क्या हो गया, 41 आंसर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कुल मान 25 × 40, सही है, कैसे निकला, फॉर्मूले से निकला है, ठीक है। तो 25 मदों का क्या हो गया, 40 हो गया, और ये देखो कुल मान दैट इज 1000, सही मान 50 था लेकिन गलत लिख गया क्या, 25, उसको माइनस करके हटा दिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन लगे रहते हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो, ये एग्जाम रिपीटेड ही क्वेश्चन है। अब लिखा है, ये क्वेश्चन ज्यादातर लोग लगा लेते हैं, नहीं भी लगा पाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग नहीं लगा पाएंगे। कोई पुरुष पी से क्यू तक जाता है 5 किलोमीटर/घंटे की चाल से चलकर जाता है, मतलब पी से गया क्यू पे, तो कितने 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड में गया, 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गया। फिर दोबारा क्यू से पी पे जब जा रहा है तो किस स्पीड पे आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करिए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा, फिर रिटर्न आ रहा है और उसका औसत पूछे, तो उसका फॉर्मूला दिमाग में सेटअप कर लेना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है 2xy / x + y,
ये क्या है? एवरेज का फॉर्मूला। कौन से एवरेज का फॉर्मूला सर? ये कौन से एवरेज का फॉर्मूला है? जब कोई ए से बी पे गया फिर बी से ए पे आया तब के लिए है। तो सर ये 2xy क्या है? 2x, x की जगह क्या है? 5। क्या लिख दिए? 2x, ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहे हैं। 2xy, ये x हो गया आपका और ये क्या हो गया? y हो गया। तो x की वैल्यू क्या है? 5। y की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 5 प्लस 3। 2 5 का 10, 3 का 30, 30 अपॉन 8। तो आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो 3 पॉइंट में पता चला तीन ऑप्शन है तो पूरा कर देते हैं। 3 8 3 का 24 60, 8 7 का 56, 3.7 पे कोई है? हां पता चला है, डी ऑप्शन सही हो गया। तो सेकंड का क्या ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया, 3.75 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में? जब कोई ए से बी पे जाए, बी से ए पे आए, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 2xy/x+y। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज ना करना। और डायरेक्ट अगर सोचोगे कि 5 + 3/2 कर दे तो आंसर ही गलत आएगा, तब आंसर 4 आएगा। और इसमें तो नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन एग्जाम में जब सीजीएल में आया था तो ऑप्शन में 4 भी दिया था। तब 4 दिया तो बहुत से बच्चे 4 टिक कर दिए थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं है इजी, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि समझ ही नहीं आएगा उनको। लिखा है क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यही नहीं समझ में आएगा, कहना क्या चाह रहा है? 2 वर्ष के अंतराल में 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन नहीं है, एक बोलेगा बड़े बच्चे की आयु बताइए, एक बोलेगा छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो अब देखो क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कितने बच्चे हैं? पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कितने बच्चे हैं, तो पता चला 3। ठीक है, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। कितने कितने अंतराल में, कितने कितने गैप पे? 2-2 वर्ष में। मतलब एक बच्चा जब x टाइम पे हुआ है तो दूसरा कितने टाइम पे हुआ होगा? x+2। तीसरे कितने टाइम पे हुआ होगा? x+4। 2-2 वर्ष के अंतराल पे है ना। अब इसकी एवरेज दिया है 8, तो बस सिंपल तीनों का ऐड कर दिए और क्या हो गया? तीनों का ऐड कर दिए इक्वल्स टू 8 और नीचे डिवाइड बाय 3। तो क्या हो गया? x + x + x 3x + 6 upon 3 = 8। 8 × 3 = 24, 6 − 3x = 18। 8x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है? 6 + 4, दैट इज 10 ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 4, दैट इज 10 ईयर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन बस इतना ही समझना था, जिसको नहीं आया वो देख ले। अगर सबसे छोटे पूछा तो आंसर 6 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। ठीक है, जैसा कहना चाह रहा है इतना समझते चला करो। कितने कड़े हैं? 10 कड़े हैं। तो कड़े इक्वल्स टू कितने हैं? 10। लिख दिए 10। ठीक, फिर इसके बाद बोल रहा है पहले चार कड़ों का टोटल वैल्यू कितना होगा? 4 × 30, 4 × 30 डेट इज 120। पहले चार का टोटल कितना होगा? 120। और बाकी 6 कड़ों का औसत तो 6 × 31 तो कितना हो गया? 186। ठीक, अब बोल रहा सभी कड़ों का कुल भार बताइए। इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 120 प्लस 186 डेट और अपॉन में क्या करेंगे? कितने कड़े थे? 10 कड़े थे अपॉन 10, तो कितना हो गया? 206/10। तो दैट इज कितना आंसर आएगा? इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा जल्दी से देखो? 306/10, तो 30.6 आंसर। इतनी बात समझ में आई? तो ये चीज हमको पहले क्या चाहिए था? कुल वैल्यू चाहिए था। पहले हमको क्या चाहिए था? कुल वैल्यू। कुल वैल्यू कैसे निकली थी? पहले चार का बोला तो 40 × 30, फिर नेक्स्ट चार का बोला तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर इतने, देखो समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे वो चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है। और क्या चल रहा है? 20 किलोमीटर पर आर। एक व्यक्ति समबाहु मैदान पे 20 किलोमीटर पर आर हो गया, फिर 24 फिर 30। ठीक है, यूनिट सबकी सेम है, किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर। गति यात्रा करता है, यात्रा की औसत गति याद करिए। औसत का मतलब ही हम क्या बताए? सबकसम डिवाइड बाय 3 आंसर हो गया। तो अब क्या हो गया?
20 प्लस 24 प्लस 30, बल्कि बहुत से लोग करने का इसका दूसरा मेथड है, लेकिन ये जल्दी से सॉल्व ट्रिक में आंसर। तीनों को ऐड किए डिवाइड बाय 3, तो इन दोनों को ऐड किए कितना हो गया 44, 30, 74, 74 बाय 3 दैट इज 3 2 जा 6 14, 3 4 जा 12, 3 6 जा 24.6। तो पता चल रहा 24.6 में केवल एक ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है। तो इसको क्या कहेंगे, अप्रोक्स में आंसर दिया गया है। इसका मतलब ये आंसर किसमें दिया गया है, अप्रोक्स में दिया गया है, इतना ध्यान रखना। अब एग्जाम में 24.6 अगर दिया रहेगा तो वो टिक होगा, लेकिन यहाँ पे 0.6 दिया ही नहीं, तो इसका मतलब अप्रोक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए, बस औसत ही पूछा है, हम सोचे अप्रोक्स पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये सबसे सॉल्व ट्रिक है, ये इतना ध्यान रखना है, इससे इजी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक उपहार, ये देखो क्वेश्चन रिपीट मारा, एक उपहार बॉक्स में 10 छल्ले हैं, टोटल कितने छल्ले हैं, तुरंत ध्यान दिया करो, टोटल कितने हैं, पता चला 10 हैं, ठीक। पहली चार रिंगों का औसत, पहले चार रिंगों का औसत दिया है ना, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 4 × 45 दैट इज 180, दैट इज 180 हो गया, ठीक। और बाकी छह रिंग का, छह का कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 46। नहीं समझ में आई बात, तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको, तो 6 × 46 दैट इज 276 हो गया। अब बोल रहा है छल्लों का औसत भार, तो पूरे 10 का औसत भार निकालना है ना, तो 180 प्लस 276, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर 2 × 1 300, 350, 450, मतलब 40.5 पॉइंट कुछ आएगा। अब लिखाओ कि सर 45.8 भी दिया है, 4 भी दिया है, 6 दिया, तो 45.6 आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 10 कर दोगे, आंसर हो जाएगा। तो ये सब करने का तरीका क्या है, पहले कुल वैल्यू निकालो, 4 का कुल वैल्यू ये, फिर 6 का कुल वैल्यू ये, फिर टोटल हमको 10 का निकालना है, तो इसलिए इन दोनों को प्लस करेंगे, अपॉन 10 कर देंगे। 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात कितने की हो रही थी, 10 की हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति त्रिकोणी, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, एक बॉक्स 109 नोटबुक है और उसका औसत भार कितना है, 10.9 किलोग्राम है। जब एक नया, अच्छा नहीं, इसमें कुछ चेंजेस है, इसमें चेंजेस क्या है ये देखते हैं। एक बॉक्स 109 नोटबुक का औसत ये दिया है, इस क्वेश्चन का टेक्निक समझना, पहले क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं, पहले आप समझो। एक बॉक्स 109 नोटबुक का औसत ग्राम कितना दिया, 10.9 किलोग्राम। जब नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ा जाता है तो औसत 11 किलोग्राम हो जाता है, नए नोटबुक। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहा करे, कुछ का औसत भार दिया है, कुछ का औसत दिया है, उसमें कुछ जुड़ जाए या कुछ घट जाए, तो उसका क्या करेंगे, ध्यान समझ, और नए का पूछे तो लिखेंगे नया इक्वल्स टू नया औसत इक्वल्स टू, ध्यान रखना, नया औसत इक्वल्स टू क्या करोगे, 109 इंटू 10.9, क्योंकि ये सब 10.9, आप ये 109 का कुल भार निकला माइनस, ध्यान समझ आए, 109 का कुल भार निकला, इतनी बात समझ आई। अब नया नोटबुक जुड़ाना, जब नया नोटबुक जुड़ा तो नया वाला बड़ा हो गया ना, तो 110 इंटू 11 माइनस 109 इंटू 10.9, ठीक, माइनस ये हो गया। इतनी बात समझ, ये नहीं समझ पाए होगे तुम, ध्यान समझना, कोई नोटबुक नया जुड़ा तो जाहिर बात वैल्यू बढ़ गई, तो पहले कितना नोटबुक था, पहले नोटबुक कितना था, जल्दी से देखो, पहले नोटबुक कितना था, 109 था ना, एक जुड़ गया 110, तो पहले 110 वाला लिखेंगे, फिर 109 वाला लिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो नया नोटबुक की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो सर माइनस करके दिखाते हैं, 11 जो 121 हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एक टेक्निक है, लेकिन टेक्निक में देख रहे हैं कि ऑप्शन सबका सेम ही लगभग है, तो टेक्निक नहीं यूज करेंगे। अब 109 का स्क्वायर कर देते हैं जल्दी से, 109 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को वैसे आप लोग को हम बताए थे मेथड, लेकिन आप लोग याद नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको जल्दी से करते हैं, 81811, तो कितना आ गया 1 8 8 1 1। अब इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो
आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब लास्ट में डेसिमल भी लगेगा क्योंकि ये यहाँ क्या दे रहा है, ये तो इन दोनों को माइनस किए, जैसे हमने क्या माइनस किया 11.88.1। तो जाहिर सी बात जिसमें भी 0.9 ऑप्शन हो वही आंसर सही हो गया। तो पता चला 0.9 केवल सी में दे रहा है, तो 21.9 आंसर। ठीक है, तो माइनस करने का भी तो तुम लोग के पास दिमाग होना चाहिए ना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, एक चीज ध्यान रखना, एवरेज बहुत सरल टॉपिक है। एवरेज का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। और एवरेज से चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी आरपीएफ कुछ भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, एवरेज से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो हम कह रहे हैं अगर दो आया तो मेरा दो नंबर फिक्स हो जाए, एक आया तो एक नंबर फिक्स हो जाए। इतना ध्यान रखना रेलवे में तो दो दो क्वेश्चन एवरेज के तो आना ही आना है, तो इसलिए एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। ओके, थैंक यू।